आप सभी लोग कल रविवार 5 तारीख को हमारे यहाँ भंडारे में आमंत्रित हैं। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। हेलो हाँ दादी प्रणाम। प्रणाम। आप पहचान लिया? ये कहाँ से आया वो दिन? कौन सा दिन? सूर्य भगवान कहाँ किधर से आए? सूर्य भगवान आज आए हैं बाड़ियों से द्वारिखाल के पास। हाँ सही पकड़े। आप कैसे हो? चंगी। अमृतसर हम गए और पंजाब यहाँ होने लग गए। अरे मैं बोल रहा था कल कुछ लाना है गाँव। क्या कुछ सामान लाना है? ना। मैंने सुना कि घंटी मंगा रहे हो। तू तो पापा ला दो। ना पापा ने वो काम मुझे दे दिया है। अच्छा ठीक छे बेलपत्री तो पापा ले आएंगे, मैं घंटे ले आता हूँ। छोटी भी नहीं और बड़ी भी नहीं। हाँ मतलब मीडियम साइज। हाँ मीडियम साइज, समझ गया। समझ यार। कल रात कहाँ रुकना है हमने, गांव में या ऊपर जहाँ भंडारा है वहाँ? वही रुकना, पर मुझे लेने तो या तो चाचा आएगा या पापा आएगा। तुम तो सोए रहोगे। क्यों सोया रहूंगा, उठ जाऊंगा भाई। जितने बजे बुलाओगे आप उतने बजे आ जाऊंगा। मैं तो कह रही थी 8 बजे। हाँ तो मैं 7:30 बजे आ जाऊंगा। हाथ मिला? मिलो, गले मिलो यार, हाथ क्या मिला ना। अब देखिए ठीक है। हाँ बढ़िया है, यही खड़ा है। कल मिलते हैं, अभी घंटी लेने जा रहा हूँ मैं बाजार। अच्छा घरवाली कब आएगी? घरवाली अब कल बताऊंगा आपको घरवाली कब आएगी। अच्छा मंदिर में बैठ के जब भंडारा खिला रहा हूँ ना तब बताऊंगा घरवाली कब आएगी। पक्की बात। ठीक जी फिर करता हूँ। बाय बाय बाय, टेक केयर। बजा आज ही कम आ रही ना, कम है आवाज इसकी। अब इसको बजा, ऊपर कर, दोनों ऊपर कर। आप कोई भी नाम एक बता दो बस मेरे को। सुमति असवाल। भाई सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियाँ सर्दियों की शॉपिंग हो रही है भाई की। क्या बात है, पुसी कैट लग रहा है, पुसी कैट। तूने अपनी पसंद की तो देख, तूने देख लिया। हाँ। कैसी पसंद दे रही, पहन के ऐसे खुद ही पता चल गया। पसंद तो फिर बैक आ रहे, लेकिन नहीं, पर जो तेरे को सोच रहा है तो खरीदने की वो बता रहा हूँ। अब जो मेरी पसंद है वो पहन के देख। तो इसलिए तो मैं बोलता हूँ कि भाई साथ में चलो, तुम्हारी पसंद अच्छी है। चलो अब पहनाता हूँ इसे अपनी पसंद वाला। अब जिस तरीके से तुमने पहना है ये तो ऐसे पहनते ही नहीं, इसे बटन खोल भाई उसके, और कॉलर के खड़े कर रखे। चमकादड़ की तरह खोल, और इसके अंदर पहनेगा तू ब्लैक टी शर्ट या फिर वाइट टी शर्ट। हाँ सॉरी, ब्लैक ही अच्छी लगेगी, वाइट नहीं लगेगी, क्योंकि वाइट तो ये है ही ना। दोनों खरीद देते हैं, यूनिफॉर्म की तरह हो जाएगी। मॉर्निंग। तो अभी समय हो चुका है हमारा कोटद्वार से गांव की तरफ निकलने का, बैग पूरे रेडी हो चुके हैं। और कल शाम आपने देखा होगा विक्की ने भी पूरी शॉपिंग कर दी है, क्योंकि भाई पूरे के पूरा फैमिली आने वाली है, हमारे पूरा परिवार आने वाला है। तो विक्की ने सोचा कुछ बड़े बड़े शॉपिंग कर ली जाए। यहाँ पे देखो चाचा जी पहुंच चुके हैं हमारे, इतनी दूर से साउथ से आया चाचा जी सिर्फ भंडारा अटेंड करने के लिए। तो समझ सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि दादी ने स्पेशल बोला था कि भाई आना है तो आना है। उड़ीसा से भी धार का है। उड़ीसा से कौन आ रखा? मेहरबान चाचा। अच्छा हाँ, पर वो तो बहुत पहले आ चुके हैं। गुजरात से उमेदी चाचा। हाँ गुजरात से आ रहे हैं, हर जगह से कोई ना कोई आ रखा है। आज सुबह से पापा जरा सा भी गुस्सा नहीं हुआ, तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा जरा दिलाए उनको गुस्सा। मैं कह रहा, मैं सोच रहा था अगर बाइक से ले आता तो क्या था। क्या करना यार बाइक से, क्या हुआ? अभी जब जा रही गाड़ी तो क्या है। चलो ठीक है, ठंडा बहुत है।
इतना ठंडा होंडा तो खैर कौन सा जैकेट पहन रहे थे, अब जब है गाड़ी तो क्यों जाना यार। चलो ठीक है, इजीली कंप्लीट हो रहे हैं। ठीक है ठीक है। गाड़ी आपने धोई है दिलवाई? मम्मी ने धोई। मम्मी ने धोई, बढ़िया लग रही, चमक रही एकदम। आज लग रहा है मूड अच्छा है, तो मेरे को लग रहा था कि थोड़ा और गुस्सा आएगा बाहर, पर आया नहीं। चलो फिलहाल बाइक को रख देते हैं गैरेज के अंदर, तब निकलेंगे। मम्मी हाँ। अच्छा अच्छा काम कर रखा है, बढ़िया गाड़ी धो रखी है। किसने धोई फिर? धुलवाई। चलो फिर, जय बजरंग वाले, जय सत बाबा, जय श्री राम, जय भोले। तो फिलहाल गुमखाल पहुंच चुके हैं हम, पापा लोग तो गुमखाल बाजार चले गए, और वहां पे इसको तो रख दो, पापा चाचा और विक्की के पापा भी गुमखाल बाजार में ही हैं, सारे के सारे शॉपिंग कर रहे हैं, वहां से सामान खरीद रहे हैं कल के लिए। जो खाने का सामान होगा, जो सबके लिए कल खाना बनेगा, वो तो पहले का पहले ही पहुंच चुका है, लेकिन जो छोटे मोटे सामान है जो भी आखिरी टाइम पे ही खरीदने होते हैं, उन सब चीज़ों की शॉपिंग हो रही है अभी। तो मैं एक चीज़ बोलना भूल गया था, पिछले ब्लॉग में ये बोलना था मेरे को, लेकिन बोला नहीं मैंने। तो जो भंडारा है, आज हो गई 4 तारीख, तो जो भंडारा है कल है संडे को 5 नवंबर को। तो अगर कोई भी हमारे गाँव के आसपास है, द्वारिखाल के आसपास रहता है, तो वो आ सकता है, प्रसाद वाले भी आ सकते हैं। हाँ वो मतलब, हाँ वही मतलब, जो जो है जिनको कि मन है मिलने का, हाँ जो भी मतलब दर्शन करना चाहता है या दादी से ही मिलना चाहता है, वो सादर आमंत्रित है भंडारे में कल। बिल्कुल, मतलब कम से कम 11-12 बजे तक शुरू होएगा शायद, मुझे लग रहा है। हाँ वही होता है, इतना जल्दी तो होता नहीं है, तो इसलिए आराम से आ सकते हैं आप, शाम तक बैठेंगे कोई दिक्कत नहीं है, 4-5 बजे तक भी पहुँचे आप तो मिल जाएंगे, मतलब हम आपको वहाँ पे। और जो लोकेशन है वो द्वारिखाल और चेलू साइड के बीच में एक कीच गांव पड़ता है, कीच गांव में मंदिर है, तो वहीं पे ही भंडारा है। मतलब कीच गांव पड़ता है आपका द्वारिखाल से 3-4 किलोमीटर आगे, मतलब चेलू साइड की साइड। तो देखते हैं कौन कौन आता है और कौन कौन मिलता है। हो गया चाहिए सामान? हाँ जी, ले आए सारा? सारे क्या क्या है इसमें? इसमें है सब्जी और क्या हो गया यार। बताओ खरीद के आ गए और बता ही नहीं पा रहे अब तो। वही तो भूल गया बेटा। सब्जी कौन सी है? सब्जी है गोभी, आलू, प्याज, लहसुन, अदरक। और दाल? दाल कौन सी है? चने की। राजमा नहीं? राजमा? राजमा नहीं बेटा। अच्छा, राजमा भारी पड़ जाती हो। बाकी देखो, लौकी प्याज तो यहाँ दिख रहे हैं, गोभी भी दिख रही है यहाँ, दूध के पैकेट वहाँ दिख रहे हैं। अभी थोड़ा सामान बिज्जू की गाड़ी से ट्रांसफर हो रहा है मेरी गाड़ी में, लेकिन मेरी गाड़ी में भी कपड़े इतने हैं कि क्या बताऊँ, 2 दिन ले आ रखे और कपड़े इतने ला रखे। ये अच्छा अच्छा, हम दिल्ली से आए हैं। अच्छा, मेरे पेरेंट्स आपका ब्लॉग देखते हैं। धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है भैया, बड़ा अच्छा लगा मिल गया। धन्यवाद आंटी जी, धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा धन्यवाद धन्यवाद उनको भी। तो अभी दिल्ली से हमारे व्यूअर्स आए थे यहाँ मिलने के लिए, और बाकी ये देखो सब चाहता हूँ जी, सब आ गए यहाँ पे। तो देखो सबको कतार में लगा दिया है, और कुछ बोलना चाहते हैं सारे के सारे? आप सभी लोग कल रविवार 5 तारीख को हमारे यहाँ भंडारे में आमंत्रित है, आपसे अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में आगे भंडारे को सफल बनाए। एक बार सब बोलते थे, आप सभी सादर आमंत्रित है, ऐसे तेज से एक साथ एक साथ एक साथ आप सभी। अबे यार एक साथ नहीं हो रहा, 1 2 3 आप सभी सादर आमंत्रित है, क्या बात है। तो इसी के साथ आज के इस व्लॉग करके यहीं पे समाप्त। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना वीडियो को, और अगर कोई आपका रिश्तेदार दोस्त हमारे गांव के आसपास रहता है, गुमखाल द्वारिखाल के आसपास रहता है, सतपुली के आसपास रहता है, तो उनको ये वीडियो भेजें और उनको बोलें कि वहाँ जाएं, भंडारा ग्रहण करें, और अगर वो ब्लॉगर है तो बढ़िया है, उनसे मैं ही मिलूंगा फिर। इसी तरह मिलेंगे आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय श्री राम, जय सिद्ध बाबा।